चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नमस्कार, मैं हूं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए करते हैं खबरें फटाफट की शुरुआत बिहार की कुछ बड़ी खबरों के साथ। सीनियर लीडर रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन, दिल्ली एम्स में ली आखिरी सांस। केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद का रविवार को निधन हो गया। वे फेफड़े में संक्रमण को लेकर दिल्ली एम्स में भर्ती थे, लेकिन हालत खराब होने के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह को वेंटिलेटर पर रखा गया था। 3 दिन पहले ही उन्होंने लालू यादव को पत्र लिखकर राष्ट्रीय जनता दल RJD से इस्तीफा दे दिया था। उनके निधन पर JDU नेता KC त्यागी ने शोक प्रकट करते हुए कहा कि यह राजनीति की सबसे बड़ी क्षति है। लालू ने किया ट्वीट, प्रिय रघुवंश बाबू, ये क्या किया आपने, इतनी दूर चले गए। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने गहरे दुख जताया है। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि प्रिय रघुवंश बाबू, ये आपने क्या किया, मैंने परसों ही आपसे कहा था कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इतनी दूर चले गए। निःशब्द हूँ, दुखी हूँ, बहुत याद आएंगे। बता दें कि रघुवंश प्रसाद को लालू यादव का संकट मोचन कहा जाता है। जब भी लालू किसी संकट में फंसे तो रघुवंश प्रसाद उनके साथ हमेशा खड़े रहे। बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों में बियाडा अब स्टार्टअप को भी करेगा जमीन पर आवंटन। बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों में अब स्टार्टअप को भी जमीन मिलेगा। बियाडा बाकी उद्योगों की तरह ही स्टार्टअप को जमीन पर आवंटन करेगा। राज्य सरकार ने विशेष भूमि आवंटन एवं माफी नीति के तहत इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। पटना एयरपोर्ट से अगले सप्ताह से अलग अलग शहरों के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ेगी। पटना एयरपोर्ट से अगले सप्ताह से उड़ानों की संख्या में और अधिक इजाफा होगा। अलग अलग शहरों के लिए और अधिक यात्री विमान से उड़ान भरेंगे। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी ने पटना एयरपोर्ट पर शनिवार की शाम को मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। वे दरभंगा एयरपोर्ट का जायजा लेने के बाद पटना आए थे। बिहार में कल से ट्रकों की बेमियादी हड़ताल शुरू, बढ़ेगा परेशानी कोरोना संकट में। बिहार में सोमवार की सुबह 6 बजे से बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने 20 सूत्री मांगों को लेकर चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। उक्त बातें संवाददाता सम्मेलन में एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कही। राजद दफ्तर में तेजस्वी के चैम्बर के बाहर लगी आग, बड़ा हादसा टला। RJD दफ्तर में आग लगने की खबर है। आग तेजस्वी यादव के चैम्बर के बाहर लगी, जिसकी वजह से अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। एक पंखे में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी। दरअसल राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे रघुवंश प्रसाद सिंह का आज दिल्ली एम्स में निधन हो गया। रघुवंश प्रसाद के निधन के बाद RJD दफ्तर में उनके निधन पर शोक सभा रखी गई थी, जिसके लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी RJD पहुंचे थे। तैयारियों की समीक्षा को लेकर बिहार आएगी चुनाव आयोग की टीम। सभी जिलों के DM SP के साथ होगी बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की 2 सदस्यीय टीम 14 सितंबर को बिहार आने वाली है। यह टीम बिहार में चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा करेगी। 2 दिन के अंदर टीम 38 जिलों का तैयारी की समीक्षा करेगी। तैयारी के समीक्षा के बाद बताया जा रहा है कि कभी भी बिहार में चुनाव कराने का ऐलान आयोग कर सकता है। पीएम मोदी ने बिहार को 901 करोड़ रुपए की योजनाओं की दी सौगात। रघुवंश प्रसाद को भी किया याद। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार को 901 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। पीएम ने बिहार में एक LPG पाइपलाइन परियोजना और बॉटलिंग संयंत्रों का उद्घाटन किया। वर्चुअल सभा के माध्यम से पीएम बिहार को इन योजनाओं का तोहफा देंगे। इसी दौरान पीएम मोदी ने बिहार के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को भी याद किया। बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह का आज सुबह निधन हो गया। सिवान, घर के ऊपर से विद्युत LTE तार ग्रामीणों ने हटाया। प्रखंड के शीतलपुर गांव में दर्जन भर घरों के ऊपर से गुजर रहे विद्युत LTE तार को ग्रामीणों ने चंदा एकत्रित कर रविवार को हटा दिया। सड़क के किनारे उस विद्युत तार को लगा दिया। ग्रामीण घर के ऊपर विद्युत तार गुजरने से मौत के साए में जी रहे थे। छपरा, शिक्षकों ने ताली थाली बजाकर सरकार को जगाया। छपरा के नगरपालिका चौक पर नियोजित शिक्षकों ने शंख, घंटी, ताली व थाली पीटकर वेतनमान को लेकर सरकार को जगाया। शिक्षक संघ बिहार के जिला इकाई के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश कोषाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह एवं जिला अध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि नियोजित शिक्षकों ने समान काम समान वेतन, राजकर्मी
का दर्जा, पेंशन, ऐच्छिक स्थानांतरण सेवा शर्त, मूल वेतन व ईपीएफ कटौती और गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्ति करने की मांग की है। भागलपुर, अक्टूबर से नए प्रवेश गेट से होगी एंट्री, नवंबर से एक्सेलेटर की सुविधा। अक्टूबर महीने से भागलपुर रेलवे जंक्शन पर दक्षिण तरफ निर्माणाधीन प्रवेश गेट यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। इससे यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। दक्षिण इलाके में रहने वाले करीब 3 लाख लोग सीधा नए प्रवेश गेट से जंक्शन पहुंच सकेंगे। उक्त जानकारी मालदा रेल मंडल प्रबंधक DRM यतेंद्र कुमार ने निरीक्षण के दौरान कही। DRM जंक्शन का निरीक्षण करने के बाद रेलवे यार्ड गए, वहां बन रहे हाईटेक यार्ड को देखा और एजेंसी के अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। वहीं DRM ने बताया कि मार्च तक यार्ड निर्माण का कार्य भी करीब करीब पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही जंक्शन परिसर में एक्सलेटर लगाने के लिए पाइलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, शीशम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज, त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा, कुर्सी, टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549683888 उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9736-80 8225-6905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773 93043-67-170। बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी, घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437।